श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा कुरुक्षेत्र द्वारा श्री वामन जी भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान वामन जी महाराज की शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश के जाने माने संतों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज धीरेन्द्र स्वरूप ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अशोक अरोड़ा और भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक अरोड़ा ने भी इस आयोजन के लिए बधाई दी। इस मौके पर कार्यक्रम के यजमान ओम प्रकाश पलवल ने भी वामन जी महाराज को नमन करते हुए शहर में शांति और भाईचारे का आह्वान किया। वामन द्वादशी पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अदिति के गर्भ से पैदा हुए भगवान विष्णु जो भावना अवतार के रूप में माने जाते हैं, भावना अवतार से हम एक ही सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति को समाज में अगर कुछ चीज चाहिए तो वो छोटा बन करके प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति समाज में छोटा बन करके सेवा करता है उसका मान सम्मान भी होता है। भगवान बलि के यहाँ छोटा रूप धारण करके गए तो उन्होंने पूरे तीन लोक का केवल जमीन अपने तीन पैर से नाप ली। तो भगवान भी जब दान लेने के लिए गए तो छोटा बन करके गए। जो व्यक्ति समाज में छोटा बन करके सेवा करता है तो निश्चित तौर पे उसका सम्मान होता है। तो आज मैं भावना अवतार की ये द्वादशी के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हुआ यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अंदर सेवा का भाव रखना चाहिए। सेवा भाव से ही हम जो चीज पाना चाहते हैं, जो ग्रहण करना चाहते हैं, वो हमें मिलेगा। और आज का यही ब्राह्मण समाज ने आज इस पावन द्वादशी पे इस शोभा यात्रा का और ये भव्य प्रोग्राम किया है। मैं इन सभी पदाधिकारियों को भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है और वो धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करती है। मैं समझता हूँ कि जिस भाव से समाज के लोगों ने इस त्योहार को मनाने की कोशिश की है, आगे चल करके ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र तो एक ऐसी पावन भूमि है, यहाँ पे सभी देवी देवताओं का वास भी है और हमारा इतिहास भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये शुरुआत की है तो मैं समझता हूँ कि ये आगे चल करके ये भव्य रूप लेगा। देखिए, आज ब्राह्मण सभा ने श्री भगवान वामन की शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें मुझे मुख्य यजमान बनाया गया। श्री अशोक अरोड़ा जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। उनकी पूरी टीम आज सेवा करने के लिए उनके साथ है और हम दुआ करेंगे कि शहर पर और सब साथियों पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।